हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो टैली प्राइम को लेकर के है और कई बार बहुत जबरदस्त कंफ्यूजन हो जाती है, खासतौर पर तब जबकि आप सामान लाते हो परचेजिंग के लिए होलसेलर पार्टी से खरीद करके, और अगर आपको वो रिटर्न करना पड़ जाए तो कौन से वाउचर में जा करके वो रिटर्न होगा, ये पहला सवाल। और अगर आप सपोज कीजिए आप ही होलसेलर पार्टी हैं तो आप अपने यहाँ कौन से वाउचर में उसे एंट्री करेंगे, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग रहता है। और हालांकि मैं कई बार बता भी चुका हूं लेकिन इस वीडियो से यकीन कीजिए कि आपको 99% की चीज क्लियर हो जाएगी। 1% इसलिए नहीं होगी क्योंकि आप चाहेंगे ही नहीं तो कैसे होगी, ठीक है। तो चलिए आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले हम कंपनी नई बनाने से ही स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहां से F3 प्रेस करके न्यू कंपनी क्रिएट करने की तरफ जाएंगे हम, और यहां से नई कंपनी हम बना लेते हैं। पहला एंट्री हम करते हैं हमेशा रिसिप्ट वाउचर में, तो कंपनी का नाम पहले दे देते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कंपनी का नाम मैं दे देता हूं मयंक ट्रेडर्स, ट्रेडर्स ये दे दिया मयंक ट्रेडर्स। अब ये कंपनी का नाम है, एंटर किया, एंटर किया। न्यू कॉलोनी देवरिया, ये एड्रेस हो गया इनका, ये हो गया इस तरीके से DEORIA, ये हो गया, एंटर किया, एंटर किया। यहाँ पे स्टेट उत्तर प्रदेश रहेगा इनका, ये कर दिया हमने। और यहाँ पे पिन कोड आएगा तो ये पिन कोड हमने डाल दिया, एंटर किया, एंटर किया, एंटर किया। और 1 अप्रैल 2023 बुक बिगनिंग फ्रॉम, ये भी 1 अप्रैल 2023 ही रख दिया, ठीक है। इसको एक्सेप्ट करा लेंगे और यहाँ से हम GST भी चालू कर लेते हैं। तो ये GST यहाँ से चालू कर रहा हूँ, इसको यस करूंगा। और GST के साथ साथ हम लोग इसमें TDS भी देखेंगे, तो कई सारी चीजें होने वाली हैं, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में हम लोग ये खासतौर पर जोड़ देंगे डेबिट नोट और क्रेडिट नोट पर, ठीक है। तो यहाँ पर आए, यहाँ पर रेगुलर रखेंगे, यहाँ पर GST IN नंबर आएगा आपका, तो जो भी आपका GST IN नंबर बनता हो वो यहाँ पे जरूर डाल दीजिएगा। और यहाँ पे मंथली GST हम फाइल करेंगे, यहाँ पे यस करेंगे इसको। और ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर ये अननोन की जगह हमें क्या रखना है, टैक्सेबल रखना है, ठीक है, क्योंकि हम सारे प्रोडक्ट्स टैक्सेबल वाले ले रहे हैं और उसको बाई डिफॉल्ट 2.5% का GST हमने लगा दिया है, ठीक है। और यहाँ से इसको नो रखेंगे, एंटर करेंगे। और TDS को भी अभी नो ही रखना है हमें, बाकी सारी चीजें नो रहेंगी, खाली हमारा GST यस रहेगा। पेरोल भी अभी चालू नहीं करना है, कंट्रोल ही कर लेना है यहाँ से। तो एक हमारी कंपनी बन गई मयंक ट्रेडर्स। अब इसमें जो भी काम होगा वाउचर में जाएंगे, तो पहली एंट्री जनरल सी बात है रिसिप्ट वाउचर में होती है, तो आ जाइए रिसिप्ट वाउचर में और यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं हम। यहाँ पे रखेंगे कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ये हो गया। और यहाँ पर एंटर करेंगे ग्रुप क्या रहेगा, कैपिटल अकाउंट। ग्रुप की बड़ी कंफ्यूजन रहती है, तो जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपका ग्रुप क्लियर होता जाएगा कि कौन सा ग्रुप रहेगा, ठीक है। तो कंपनी में लगाए जाने वाले फंड को हम कैपिटल बोलते हैं, इसीलिए यहाँ पे कैपिटल अकाउंट रखा है। बाकी स्टेट वगैरह डाल करके इसे एक्सेप्ट करा लीजिए। कंपनी में कितना फंड इन्वेस्ट हो रहा है वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं, एंटर करेंगे। और ये फंड कैश में आ रहा है या बैंक से, तो अगर बैंक से आ रहा है तो आपको यहाँ से एक लेजर क्रिएट करने की जरूरत है। फिलहाल मैं यहाँ पे कैश कर देता हूँ, कैश का लेजर बनाने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। एंटर करेंगे, इसे एक्सेप्ट कराएंगे। अब हम कहाँ चलेंगे, अब हम चलेंगे परचेज वाउचर में, क्योंकि हम कुछ परचेज करने वाले हैं होलसेलर से, और होलसेलर ने परचेज करने के बाद हमें दिया है एक बिल, और उस बिल की एंट्री हमें अपने यहाँ पास करनी है, अपने कंप्यूटर में, अपने टैली सॉफ्टवेयर में, ठीक है। तो यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर क्या देंगे, परचेज वाउचर में आ चुके हैं और जो बिल मिला है उसकी एंट्री चलिए पास करते हैं हम, ठीक है। तो जो भी परचेजिंग करी गई है वो किन से करी गई है उनका नाम यहाँ पर हम डाल देंगे। जैसे मान लीजिए रितेश होलसेल सप्लायर है, तो ये रितेश होलसेल सप्लायर ये दुकान वाले का नाम है जो होलसेलर पार्टी हमारी, होलसेलर कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एंटर करेंगे। अब सबसे बड़ी कंफ्यूजन ग्रुप की, तो देखिए जो भी होलसेलर पार्टी है वो सन्ड्री क्रेडिटर होती है, तो एस प्रेस कीजिए, नीचे आपको ग्रुप हाईलाइट होता हुआ मिल जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर का, बस ग्रुप चूज कर लीजिए, एंटर कर दीजिए, ठीक है। एंटर कर दीजिए, एंटर कर दीजिए, एंटर कर दीजिए, एंटर कर दीजिए, और एंटर करके इसे एक्सेप्ट कराइए। फिर एंटर, 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 फिर एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लीजिए। पूरी तरह से जब ये एक्सेप्ट हो जाए तो यहाँ बनेगा एक परचेज का लेजर, ठीक है। तो यहाँ पर परचेज का लेजर देखिए, यहाँ पर ऐसे बना लीजिए परचेज अकाउंट, ठीक है। और इसका ग्रुप हमेशा रखिएगा परचेज अकाउंट, ठीक है। ये देखिए नीचे परचेज अकाउंट आ भी रहा है, तो ये ग्रुप रख करके एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लीजिए। अब जो जो चीजें इसमें परचेज करी गई हैं उनका बिल जो मिला है उसकी एंट्री कर लीजिए अपने यहाँ। जैसे पल्स है तो PULSE, ठीक है। और पल्स जो है यहाँ पे यूनिट बनाना कंपलसरी है, तो यहाँ यूनिट जरूर बनाइएगा, तो क्रिएट पे जाकर के यूनिट बना सकते हैं। तो यहाँ KG कर देते हैं सिंबल, और यहाँ लिख देते हैं किलोग्राम, ठीक है। और यहाँ कर देते हैं KG, ठीक है। और यहाँ पे 3 कर देते हैं, एंटर करते हैं, एंटर करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट चाहे तो सेट कर सकते हैं, फिलहाल मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट सेट नहीं कर रहा। और मान लीजिए यहाँ पर हम GST को अल्टर न करें, जैसे यहाँ से भी GST को अल्टर कर सकते हैं अपने हिसाब से,
अगर आप 5% आपने लगाया है बाय डिफॉल्ट, तो आप 10% सेट करना चाहें तो 10% भी सेट कर सकते हैं, यानी कि यहां से आप चेंज भी कर सकते हैं। तो ठीक है, फिलहाल मैं इसको ऐसे ही रखता हूं, एंटर करता हूं, तो यहां क्वांटिटी आ गया। अब मान लीजिए 20 किलो पल्स परचेस करी गई, ठीक है, और 1 किलो पल्स का दाम कितना रहा, 100 रुपए रहा, खरीद रेट 100 रुपए रही, कितनी रही 100 रुपए, तो यहां पे लिख देता हूं 100 और फिर एंटर करेंगे। फिर यहां पल्स के बाद आएगा क्या, शुगर आएगा, तो यहां पर क्या करते हैं, यहां पे शुगर भी डाल देते हैं, ये डाल दिया हमने शुगर, एंटर किया, यहां पे केजी में ही होगा शुगर भी, बाकी सारी चीजें वही रखते हैं, यहां पर शुगर पे भी बाय डिफॉल्ट जीएसटी ही रखते हैं। और शुगर की बात करते हैं, 50 किलो शुगर और 1 किलो की कीमत कितनी, खरीद रेट पड़ी 40 रुपए, इससे ज्यादा का ही बेचना है, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहां पर आते हैं अगला प्रोडक्ट, तो अगला प्रोडक्ट यहां पर आएगा बेसन, ठीक है, तो डेली का बेसन है ये, डेली बेसन कर देते हैं, BESAN, डेली बेसन, और यहां पर जो है किलो में ये भी बिकेगा, और यहां पर इसमें चेंजेस करते हैं थोड़ा सा, इसमें जीएसटी, हालांकि सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा हूं ऐसा, ठीक है, तो यहां टैक्सेबल कर दिया, इसमें 10% कर देते हैं, तो ये 10% किया, देखिए 5-5 के हिसाब से ही हो गया, ठीक है ना, एंटर किया, तो यहां पे बेसन भी हो गया। तो अब मान लीजिए कि बेसन के 1 किलो के कितने पैकेट रहे, तो 5 पैकेट रहे, और 1 किलो का दाम कितना रहा, तो 120 रुपए रहा मान लीजिए खरीद रेट, ठीक है। फिर यहां पर आते हैं, यहां पर सूजी कर लेते हैं, सूजी, ठीक है, और एंटर करेंगे, यहां पर सूजी पे भी अलग लगा देते हैं, और ये भी किलो के हिसाब से चलेगा, तो यहां पर देखिए यहां पर चेंज कर रहा हूं दिखाने के लिए सिर्फ आपको, यहां पर लगा देता हूं 12%, तो ये कर दिया यहां पर 12%, तो ये हो गया 12%, ठीक है। ये सब हो जाने के बाद एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लीजिएगा, और यहां पर मान लीजिए कि 5 किलो सूजी की भी बात हो रही है, और 1 किलो सूजी जो है 50 रुपए किलो मिल रही है, तो एक पैकेट 50 रुपए का है, तो 5 किलो का यहाँ प्राइस आ जाता है। अब यहाँ पर बात आती है जीएसटी लगाने की, तो यहाँ पर जीएसटी का तो कोई लेजर है नहीं, तो अब चाहे तो ये जो क्रिएट दिख रहा है यहाँ पे जाकर बना सकते हैं, दूसरा काम अल्ट सी कर सकते हैं, और यहाँ से लिख सकते हैं सीजीएसटी, क्योंकि सेम स्टेट का मामला है, ठीक है, तो यहाँ पे सीजीएसटी आएगा। ग्रुप क्या रहेगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जो भी टैक्सेस से संबंधित लेजर्स हैं उनका ग्रुप हमेशा ड्यूटीज एंड टैक्सेस ही रहेगा। जीएसटी करिएगा, यहाँ पे सेंट्रल टैक्स आएगा, यहाँ पर एंटर करिएगा, और यहाँ नॉर्मल राउंडिंग करके यहाँ पर इसे एक्सेप्ट कराइएगा, तो देखिए यहाँ पे जीएसटी आ चुका है, ठीक है। और यहाँ पे अब एसजीएसटी की बात कर लेते हैं, तो ये एसजीएसटी कर लिया, एंटर किया, यहाँ पे ये जीएसटी ही है, और इस बार है सेंट्रल टैक्स नहीं है, स्टेट टैक्स है, तो ये स्टेट टैक्स कर लिया, यहाँ नॉर्मल राउंडिंग करके एंटर करेंगे, तो यहाँ देखिए ये जीएसटी भी कैलकुलेट होता हुआ आपको नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे नरेशन डाल सकते हैं, द गुड्स हैव बीन परचेज्ड ऑन क्रेडिट, ठीक है, एंटर किया, यहां से बाहर आएंगे, फिर यहां पे दो बार डी प्रेस करेंगे, यहां पर अल्ट पी करेंगे, एंटर करेंगे, आई बटन प्रेस करेंगे, और यहां पर ये इस तरीके से आ जाएगा, देख सकते हैं इस तरीके से आ गया है, ठीक है। ये आपका बिल है, नीचे आपको जीएसटी की पूरी डिटेल मिल जाएगी, अगर आप फिर भी डिटेल और भी देखना चाहें इसमें तो आप सेट कर सकते हैं यहां से, ठीक है। कैसे सेट करेंगे, यहां कॉन्फिगर पे चले जाएंगे, और यहां पे देखिए नीचे आ रहा होगा सो अ रेट ऑफ ड्यूटीज फॉर स्टॉक आइटम, तो ये यस है, और यहाँ दिया हुआ है सो जीएसटी रेट इन परसेंटेज, तो ये भी यस है। यहाँ पर आप आइटम वाइज जीएसटी डिटेल देखना चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, तो कंट्रोल ए करेंगे, और देखिए यहाँ पे आइटम वाइज जीएसटी डिटेल दिखाएगा, ये थोड़ा बिल आपका बड़ा हो जाएगा इस तरीके से, हॉरिजॉन्टल वे में आ जाएगा, और फिर किस पे कितना जीएसटी लगा है वो यहाँ पे शो कर जाएगा आपका, ठीक है। देखिए 6% के हिसाब से लगा हुआ है, कुछ इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। बात आती है अब रिटर्निंग की, तो ये मान लीजिए कि किसी कारणवश अगर बेसन का पैकेट फटा रहा या कुछ ऐसा रहा, आपने बेसन रिटर्न करना है, ठीक है, तो कैसे रिटर्न किया जाएगा, तो बी बटन प्रेस करेंगे, वाउचर में आ जाएंगे। तो अभी परचेज में है, जब भी आप परचेज की एंट्री करते हो ना टैली प्राइम में, तो अगर रिटर्निंग होती है तो वो जाता है डेबिट नोट, और डेबिट नोट कहाँ होता है, तो ये देखिए अदर वाउचर दिख रहा है, F10 प्रेस करके अदर वाउचर में जा सकते हैं, और यहां पर आपको मिल जाता है क्या, क्रेडिट नोट। तो ये क्रेडिट नोट की शॉर्टकट की अल्ट F6 होती है, और ये डेबिट नोट है जिसकी शॉर्टकट की अल्ट F5 होती है, तो हमें जाना है डेबिट नोट में, ठीक है। परचेस किया तो डेबिट नोट में जाएंगे, तो ये आ गए डेबिट नोट में। अभी आपने देखा कितना बेसन परचेस किया था, सिर्फ बेसन की ही रिटर्निंग करवा रहा हूं, और सिर्फ दो पैकेट रिटर्न करवाऊंगा, ठीक है, दो पैकेट ही रिटर्न करवाऊंगा, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इससे पहले बाहर आ जाता हूं, और यहां पर आ जाते हैं थोड़ा सा हम डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, और यहां पर जब आएंगे ना तो इन्वेंट्री बुक्स मिलेगा, यहां पर आ जाइएगा, और इन्वेंट्री बुक्स में यहां पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से स्टॉक आइटम आपके पास है। डेली का बेसन है कितना है, देख सकते हैं कितना है, 5 क्वांटिटी है, यानी 5 ही किलो है आपके पास, ठीक है, देख सकते हैं ना। तो हम बेसन की ही रिटर्निंग करवा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपको ये दिख भी गया कि कहां पर कितना है, तो बेसन 5 ही किलो है हमारे पास, प्राइस आप देख ही रहे हैं,
सब कुछ आपको दिख रहा है। अब चलिए यहां पर रिटर्निंग करवाते हैं। यहां पर आता है पार्टी का नाम, तो किसको ये रिटर्न जाएगा भैया, तो होलसेलर पार्टी को जाएगा, जिससे खरीदा है आपने उसी को जाएगा रिटर्न। यहां पर एंटर करिएगा, एंटर करिएगा, अगर आपको ओरिजिनल इनवॉइस नंबर नहीं याद है तो भी छोड़ दीजिए इसको, एंटर कर दीजिए और यहां पर एंटर करके यहां पे जीएसटी आईएन वगैरह भर लीजिएगा और यहां पे परचेज अकाउंट ही आएगा, ठीक है। और आने के बाद क्या करना है, बेसन ही तो रिटर्न करना है। तो देखिए डेली का बेसन है और मान लीजिए 3 किलो ऐसा पैकेट रहा जो फटा हुआ है, तो ये रिटर्निंग हो रही है, ठीक है। नीचे आएंगे तो यहां पे क्या लगेगा, सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, तो ये सीजीएसटी हो गया और ये हो गया एसजीएसटी, ये हो गया। और यहां पे लिख दीजिएगा द गुड्स हैव बीन रिटर्न RETURNED रिटर्न्ड ड्यू टू बैड क्वालिटी, यहां पे बैड लिख दीजिएगा, क्वालिटी QUALITY, तो ये हो गया आपका डेबिट नोट, ठीक है, डेबिट नोट हो गया। आई बात समझ में? अगर यही एंट्री होलसेलर पार्टी अपने यहां करेगी तो वो अपने यहां एंट्री पास करेगी क्रेडिट नोट में। आई बात समझ में? अब जरा चेक कर लेते हैं वहां से जो हम गए थे अभी, यहां पर डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में यहां पर आए थे और फिर यहां इन्वेंट्री बुक्स पे आए थे। तो जरा इन्वेंट्री बुक्स पे अब आते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या क्या बचा हुआ है। तो ये डेली का बेसन था। अब देखिए आपके पास कितनी क्वांटिटी दिखा रहा है, केवल 2 किलो दिखा रहा है, क्योंकि 3 किलो तो ऑलरेडी रिटर्न कर दिया हमने, कर दिया ना। देखिए यहाँ पे दोनों एंट्रीज आएंगी, ₹360 माइनस हो गए, यानी 3 किलो रिटर्निंग हो गई इन्हीं को जिनसे परचेस किया था, ठीक है। तो ये रिटर्निंग की एंट्री ऐसे होगी। और अगर यही चीज होलसेलर पार्टी अपने यहां कर दे तो वो हो जाएगा क्रेडिट नोट। तो ये बड़ा आसान है और इस वीडियो से आपका काम बन जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिसका नाम है कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।